अगर आप भी उन्हीं लोगों में से जिनको बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, आपके बाल बहुत ज्यादा फ्रिजिंग है, आपकी स्कैल्प ड्राई रहती है जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो रहा है, या फिर आप एक प्लास्टिक कॉम्ब यूज करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए। आज इस वीडियो में बात करेंगे इस नीम वुडन कॉम्ब की और क्या इस नॉर्मल से दिखने वाली कॉम्ब से आपको कोई भी फायदा होगा, क्या इसको यूज करने से आपके हेयर फॉल कम होंगे, क्या इससे आपके बालों की ड्राइनेस या फ्रिजनेस कम होगी, क्या इसको यूज करके आपके डैंड्रफ कम हो सकते हैं या कोई फर्क नहीं पड़ेगा डैंड्रफ पे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की एक प्लास्टिक कॉम्ब को यूज करने में और एक वुडन कॉम्ब को यूज करने में क्या डिफरेंस है, इन दोनों के क्या फायदे और नुकसान। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इस वुडन कॉम्ब को लगभग एक महीने से यूज कर रहा हूं और उसके बाद ही मैंने ये वीडियो बनाई है। असल वुडन कॉम्ब को मैंने अपनी दाढ़ी और अपने बालों दोनों पे यूज करके देखा है इस एक महीने के अंदर, और मैंने जो जो चीज नोटिस करी वो सारी चीजें मेंशन करूंगा आज इस वीडियो में। हाय, माय नेम इज रिशन शाह एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो फटाक से वीडियो पॉज करिए और जाके फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको फ्यूचर में और ऐसी वीडियोस देखनी है। सबसे पहले बात करते हैं पहले और सबसे बड़े डिफरेंस के बारे में जो मैंने नोटिस करा जब मैंने प्लास्टिक कॉम्ब को यूज करना शुरू करा था और जब मैंने वुडन कॉम्ब को यूज करना शुरू करा। तो जो प्लास्टिक कॉम्ब होती है उसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है और जो आपके बाल होते हैं उसमें नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, और ये दोनों चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। इजी लैंग्वेज में कहूं तो आपकी प्लास्टिक कॉम्ब आपके बालों को अट्रैक्ट करती है, और जब आप इसे यूज करते हो कॉम्ब करने के लिए तो उससे आपके बाल और ज्यादा फ्रिजी हो जाते हैं और ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। यहां तक फिर भी ठीक है, लेकिन एक और चीज जो होती है वो है हेयर फॉल, क्योंकि आपके जो बाल होते हैं वो प्लास्टिक कॉम्ब से चिपकने की कोशिश करते हैं और आप जितनी बार इसे कॉम्ब करने के लिए यूज करते हो आपके बाल टूटते हैं। ये चीज शायद आप लोगों ने खुद भी नोटिस करी हो, स्पेशली लड़कियों ने, क्योंकि उनके बाल बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और जब भी आप अपने बालों को अपने कंघी के पास या अपने कॉम्ब के पास लेकर आओगे तो वो उसे चिपकने की कोशिश करते हैं और जैसे ही आप उसे खींचते हो तो वो टूट जाते हैं। और यही चीज वुडन कॉम्ब को प्लास्टिक कॉम्ब से अलग करती है, इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है इसलिए आपके बालों से चिपकती नहीं है, और जब भी आप इस वुडन कॉम्ब को यूज करते हो अपने बालों को कॉम्ब करने के लिए तो ये आपके बालों से बहुत ज्यादा इजिली ग्लाइड कर जाती है और आपके बाल टूटते नहीं है ज्यादा। अब इस वुडन कॉम्ब को मैंने अपने गीले बालों पर भी यूज करके देखा था। आई नो गीले बालों पर कॉम्ब नहीं करनी चाहिए, लेकिन तभी भी आपको दिखाने के लिए मैंने यूज करके देखा था इसको, और तभी मैंने एक भी बाल टूटते हुए नोटिस नहीं करे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग गीले बालों पर भी कॉम्ब करते हैं और तब आपके बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं। आप खुद अगर कुछ टाइम तक वुडन कॉम्ब को यूज करके देखोगे तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो ये है कि ये आपके बालों को डिटैंगल करती है, यानी अगर आपके बाल उलझे हुए तो उनको सुलझाने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। इस वुडन कॉम्ब को मैंने अपनी बियर्ड पे यूज करने के लिए खरीदा था। मेरी जो बियर्ड थी वो पहले थोड़ी बड़ी थी, पुरानी वीडियोस में देख सकते हो, तो तब मेरी बियर्ड थोड़ी उलझ जाती थी आपस, और उसी पर्पस के लिए मैंने इस कॉम्ब को खरीदा था अपनी बियर्ड को डिटैंगल करने के लिए, तो वो चीज तो काफी ज्यादा अच्छे से हुई, और उसी के बाद से मैंने इसे अपने बालों पे भी यूज करना शुरू कर दिया। और जब से मैं इसे अपने बालों पे यूज कर रहा हूं तो ये बालों में भी ज्यादा फंसती नहीं, और जो भी बाल टेढ़े मेढ़े रहते हैं उनको भी सीधा करने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। कॉम्ब करने का जो पहला मकसद होता है वो यही होता है कि अपने बालों को थोड़ा स्ट्रेट करने या अपने बालों को थोड़ा सा सेट करना, वो चीज काफी ज्यादा बेटर होती है इस वुडन कॉम्ब से इन कंपैरिजन टू प्लास्टिक कॉम्ब। और मान लो अगर आपको अपना हेयर केयर रूटीन इंप्रूव करना है, देन से हाय टू आवर टुडेज वीडियो स्पॉन्सर ही ग्रूमिंग। आज इस वीडियो में बात करेंगे ही ग्रूमिंग के बायोटिन इन्फ्यूज शैम्पू की। अगर आपके हेयर फॉल काफी ज्यादा हो गए या आपके बाल बहुत ज्यादा थिन हो गए या आप किसी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी में रहते हो जिसकी वजह से आपके बालों की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है, काफी ज्यादा हाई क्वालिटी शैम्पू ये आपके बालों में जितने भी केमिकल या एनवायरमेंटल बिल्डअप हो जाते हैं पॉल्यूशन की वजह से उन सारी चीजों को रिमूव करता है, और अगर आपको स्कैल्प सोराइसिस डैंड्रफ या इची स्कैल्प की प्रॉब्लम है तो उन सारी चीजों को टैकल करने में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है। इस शैम्पू में एलोवेरा, टी ट्री, बायोटिन, विटामिन सी, विटामिन ई का यूज करा गया है, विच बेसिकली प्रमोट्स अ हेल्दी स्कैल्प। और अगर इसकी बायोटिन इन्फ्यूज कंडीशनर की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा इफेक्टिव है। इसमें भी टी ट्री, एलोवेरा, बायोटिन, कोकोनट ऑयल और भी बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज करा गया है जो आपके बालों को डीपली कंडीशन करते हैं और मॉइस्चराइज करते हैं, जिससे आपके बालों पर एक अच्छी खासी शाइन भी आती है। काफी ज्यादा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है और ये उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा स्किन कॉन्शियस है और हेयर कॉन्शियस है। अब अगर ही ग्रूमिंग ब्रांड की बात करें तो ही ग्रूमिंग पे आपको काफी ज्यादा हाई क्वालिटी प्रीमियम मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट मिल जाते हैं, वो भी काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे। यहाँ पे आपको डिओड्रेंट, बॉडी वॉश, शैम्पू, कंडीशनर, स्मार्ट टूथब्रश, फेशियल स्क्रबर, डर्मा रोलर और भी बहुत सारी चीजें मेंस ग्रूमिंग से रिलेटेड मिल जाती हैं। अब ये ब्रांड यूएसए का है तो इस पे आपको वर्ल्ड वाइड शिपिंग भी मिल जाती है, वो भी काफी ज्यादा तेज है। बस आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि इनके जो प्रोडक्ट्स है वो काफी जल्दी सेल आउट हो जाते हैं, तो आपको अपना ऑर्डर प्लेस करने में ज्यादा देरी नहीं करनी है। और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, भाई सभी को डिस्काउंट चाहिए होता तो आप मेरा डिस्काउंट कोड YT10 यूज कर सकते हो और आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ही ग्रूमिंग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से आके इनके प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकते हो। ये हो गई स्पॉन्सरशिप की बात, अब फिर से मुद्दे पे आ जाते हैं। तीसरा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस नीम वुडन कॉम्ब से आपका डैंड्रफ भी रिड्यूस होता है। अब एक प्लास्टिक या मेटल कॉम्ब जो होती है वो आपकी स्कैल्प को काफी ज्यादा इची बना सकती है, काफी ज्यादा इरिटेट कर सकती है, जिसकी वजह से आपकी स्कैल्प जो होती है वो काफी ज्यादा फ्लेकी हो जाएगी और आपके डैंड्रफ होगा एंड अल्टीमेटली आपका हेयर फॉल भी होगा। और इसी का जैसा पॉजिटिव वुडन कॉम्ब के साथ, ये आपकी स्कैल्प पे काफी ज्यादा जेंटल है जिसकी वजह से आपकी स्कैल्प हेल्दी रहती है, और आपको पता है अगर आपकी स्कैल्प हेल्दी रहेगी तो आपको डैंड्रफ नहीं होगा और हेयर फॉल तो ऑब्वियसली नहीं होगा। चौथा पॉइंट, ये वुडन कॉम्ब आपके बालों को कंडीशन करती है और नरिश करती है। अब आपकी जो स्कैल्प होती है वो कुछ नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करती है, और जब आप इसे यूज करते हो तो वो सारे ऑयल जो होते हैं वो आपकी स्कैल्प पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और आपकी स्कैल्प अच्छी खासी कंडीशन और मॉइस्चराइज हो जाती है, और जिससे आपके बालों की ड्राइनेस कम हो जाती है, हेयर ब्रेकेज कम होता है, हेयर फॉल कम होता है एंड अल्टीमेटली आपकी
स्कैल्प और आपके बाल काफी ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं। पांचवा पॉइंट ये आपके हेयर फॉलिकल्स में ब्लड सर्कुलेशन को तेज करती है। जब आप इस वुडन कॉम्ब को यूज करते हो तो आपकी जो स्कैल्प होती है वो थोड़ी सी मसाज होती है, जिसकी वजह से आपके जो हेयर फॉलिकल्स है उसमें ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और आपके जो बाल होते हैं वो काफी ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं। ऐसा होने का रीजन क्या है? तो रीजन बहुत ज्यादा सिंपल सा, जब आपके हेयर फॉलिकल्स में ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा अच्छा होगा तो आपकी स्कैल्प भी हेल्दी रहेगी और आपके बाल भी काफी ज्यादा हेल्दी रहेंगे। मैंने अपनी तरफ से सारी चीजें शेयर कर दी जो मैंने नोटिस करी इस कॉम्ब को यूज करके इन एक महीनों के अंदर। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं न्यू वुडन कॉम्ब के, लेकिन वो सारी चीजें मैं बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। एक और चीज मैं अगर आपको बता दूं कि अगर आप सोच रहे हो कि इसको कुछ दिन यूज करोगे और आपको कोई बहुत ज्यादा रिजल्ट्स मिल जाएंगे, तो वो चीज नहीं होगी। इसको आपको अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करना होगा। आप प्लास्टिक कॉम्ब पता नहीं कितने सालों से यूज कर रहे हो, तो इस वाली कॉम्ब को भी एटलीस्ट आप कुछ टाइम तक यूज करके देखो और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने नोटिस करा कि हेयर ब्रेकेज और हेयर फॉल काफी हद तक कम हुआ है मेरा। और अगर डैंड्रफ की बात करें तो डैंड्रफ एकदम खत्म नहीं हुआ है लेकिन काफी हद तक कम हुआ है। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ऐसा जरूरी नहीं कि आप यही वाली वुडन कॉम्ब यूज करो, आप किसी भी ब्रांड की कोई भी वुडन कॉम्ब यूज कर सकते हो। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो है उस वुडन कॉम्ब का मटेरियल। या तो आप एक नीम वुडन कॉम्ब यूज करो या तो आप एक बैम्बू कॉम्ब यूज करो। अब इस वाली कॉम्ब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से इसके रेटिंग्स एंड रिव्यूज चेक कर सकते हो। या तो अगर आपके घर के पास कोई भी शॉप वहां पे अगर ऐसी कोई कॉम्ब मिल जाए तो वो खरीद के भी यूज कर सकते हो। और आप नोटिस करोगे एक या डेढ़ महीने में आप नोटिस करोगे कि आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो मतलब आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको फ्यूचर में और ऐसी वीडियोस देखनी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड स्टे ग्रूम्ड। ऋषि निशा साइनिंग ऑफ अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टाटा।